हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। नागपुर मेट्रो के वर्धा रोड स्थित अजनी स्टेशन में केबल नेटवर्क में आग लग गई। इसके चलते लोगों में दहशत फैल गई। कुछ पल के लिए लोग समझ ही नहीं पाए कि माजरा क्या है। वास्तव में ट्रैक के साथ लगे केबल में आग लगी थी, जिसके कारण धुआं बड़े पैमाने पर निकलने लगा। इससे लोगों में घबराहट बढ़ गई। हालांकि मेट्रो प्रबंधन का दावा है कि आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। दोपहर 11:30 से 12 बजे के बीच आग लगने की जानकारी मिली। उस वक्त कई छात्र स्टेशन पर थे। आग अजनी स्टेशन के ऊपर हल्दीराम की ओर ट्रैक के पास लगी थी। इसके बाद धुआं उठने लगा। धुआं उठता देख लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन इतने समय में ही छात्रों के बीच बेचैनी बढ़ गई थी और उन्हें ताबड़तोब मेट्रो स्टेशन के नीचे उतारा गया और लिफ्ट को बंद कर दिया गया। आग लगने की घटना के बाद लगभग 30 मिनट तक मेट्रो सेवा को बंद करना पड़ा। दोनों ओर से मेट्रो सेवा बंद कर दी गई और स्थिति सामान्य होने के बाद पुनः मेट्रो सेवा शुरू की गई। छत्तीसगढ़ के ब्रजराज नगर में रेल मार्ग पर किए गए आंदोलन का असर नागपुर में भी दिखाई दिया। कोरोना काल से बंद 6 एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर लोगों ने गुरुवार को मुंबई हावड़ा रेल मार्ग को ठप कर दिया था। आंदोलन के चलते कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जबकि कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया गया। टाटानगर से इतवारी आ रही ट्रेन को राउरकेला में कैंसिल कर दिया गया। रैक नहीं आने के कारण अब 7 मई को इतवारी से टाटानगर जाने वाली ट्रेन भी रद्द होगी। इसके अलावा नागपुर से आमला जाने वाली पैसेंजर ट्रेन भी प्रभावित हुई। यह ट्रेन शाम 6 बजे नागपुर से रवाना होकर रात के 10:30 बजे आमला पहुंचती है, लेकिन रात 11 बजे तक यह ट्रेन काटोल के पास ही थी। इसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। नागपुर जबलपुर राष्ट्रीय महामार्ग पर मनसर में आरटीओ चेक पोस्ट पर कार्यरत अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने और शासकीय काम में बाधा डालने के मामले में अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के सचिव बंटी शेलके, शहर युवक कांग्रेस अध्यक्ष तौसीफ खान और नयन तरवटकर को रामटेक पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया। उन्हें 14 दिन के MCR के तहत नागपुर मध्यवर्ती कारागृह भेजा गया है। जानकारी के अनुसार 20 अप्रैल 2022 को शेलके, खान और तरवटकर सहित अन्य ने चेक पोस्ट पर जाकर वहां पर कार्यरत परिवहन अधिकारी के साथ गाली गलौज की थी। उनकी मांग थी कि चेक पोस्ट पर आने जाने वाले वाहनों से की जा रही अवैध वसूली तुरंत बंद कर संबंधित परिवहन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। शेलके ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग भी की थी। चेक पोस्ट पर कार्यरत तत्कालीन आरटीओ सुरेंद्र कुमार कपूरिया की शिकायत पर रामटेक पुलिस ने उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया था। जांच के बाद पुलिस ने शेलके सहित 2 अन्य को नोटिस जारी कर शुक्रवार को रामटेक थाने में पेश होने का आदेश दिया था। आदेश का पालन करते हुए तीनों अपने समर्थकों के साथ दोपहर बाद पुलिस स्टेशन परिसर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए पुलिस निरीक्षक के सामने पेश हुए। हाल ही में जैन कलार समाज के 33वें सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन नागपुर में किया गया, जिसमें 7 नवयुगलों का विवाह संपन्न हुआ। नव दंपतियों को समाज की ओर से 11,000 रुपए, वस्त्र, गृहोपयोगी वस्तुएं प्रदान की गई। इस अवसर पर विधायक विकास कुंभारे, अभिजीत वंजारी, अविनाश वारजुरकर, गिरीश व्यास, गजराज हटेवार, गिरीश पांडव, समाज के पूर्व अध्यक्ष यादवराव शिरपुरकर, उपेंद्र वर्मा, किशोर पलांदुरकर, अनिल तिड़के, जैन कलार समाज मध्यवर्ती मंडल के अध्यक्ष अनिल अहिरकर सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी गण व समाज बंधु उपस्थित थे। एम्प्रेस टावर में बने फ्लैट स्कीम के प्रायोजक KSL इंडस्ट्रीज पर 4,42,00,000 रुपए का बकाया होने के कारण पेयजल से वंचित रखे जाने के खिलाफ एम्प्रेस टावर फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। भीषण गर्मी में पानी की हो रही किल्लत को देखते हुए अब याचिकाकर्ताओं की ओर से शीघ्र जलापूर्ति करने की मांग कर अर्जी दायर की गई है। इस पर सुनवाई के बाद अदालत ने मनपा आयुक्त के समक्ष अर्जी दायर करने तथा आयुक्त को उस पर निर्णय लेने के आदेश जारी किए। उल्लेखनीय है कि फ्लैट स्कीम में जलापूर्ति नहीं होने से 500 परिवार बाधित होने की जानकारी अदालत के समक्ष रखी गई। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि प्रायोजक कंपनी पर निकाले गए बकाया को लेकर हाईकोर्ट में ही न्यायिक लड़ाई जारी है। विवाद अदालत के विचाराधीन है, किंतु संविधान के मूलभूत अधिकारों के अनुसार उन्हें पानी से वंचित नहीं रखा जा सकता। यही कारण है कि मनपा की अवैध कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में बताया गया कि कंपनी और मनपा के बीच चल रहे विवाद के चलते याचिकाकर्ताओं को वर्षों से त्रासदी से गुजरना पड़ रहा है। शहर में कानून व्यवस्था को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसी भी पक्ष को कोई परेशानी है या कोई समस्या है तो पुलिस से चर्चा की जा सकती है। कौन जीता और कौन हारा ये मुद्दा नहीं है। कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को पुलिस ऐसा सबक सिखाएगी कि हमेशा याद रहेगा।
जोर जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईद के कारण हम शांत थे, कानून सभी के लिए समान है, इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन सभी को करना होगा, यह कहना है पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार का। गुरुवार को सिविल लाइन स्थित पुलिस भवन में संवाददाताओं से चर्चा करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि 74 धार्मिक स्थलों पर भोंगे के लिए करीब 74 आवेदन पुलिस के पास पहुंचे हैं। आगामी कुछ दिनों में आवेदन की संख्या बढ़ने की संभावना है, जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करेगा उन्हें ही अनुमति मिलेगी। पुलिस से बिना विचार विमर्श के अगर कोई खुद निर्णय लेकर धार्मिक वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, इस बात की गारंटी दी जाती है कि दूसरे पक्ष पर भी कोई अन्याय नहीं होगा। मनपा प्रवर्तन विभाग ने मोमिनपुरा मेन रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर 30 दुकानों के शेड तोड़ दिए। 3 ट्रक सामान जब्त किया गया। भगवागढ़ चौक से बब्बू होटल मार्ग पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। दुकानों के सामने टीन के शेड बनाकर सड़क पर अतिक्रमण किया गया था। कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच प्रवर्तन विभाग की 2 टीमों ने अतिक्रमण हटाया। लकड़गंज जोन अंतर्गत छापरू नगर से अंबेडकर चौक, शास्त्री नगर से वर्धमान नगर, सतनामी नगर से लकड़गंज, हिवरी नगर मार्ग पर लगाई गई दुकानें व ठेलों के 29 अतिक्रमण हटाए गए। अतिक्रमण उपायुक्त अशोक पाटिल, प्रवर्तन निरीक्षक संजय कामले के मार्गदर्शन में कनिष्ठ अभियंता अभिजीत नेताम, विनोद कोकार्डे तथा प्रवर्तन विभाग की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। कचरे का वजन बढ़ाने के लिए मिट्टी की मिलावट करने की पोल एजी एनवायरो के कर्मचारियों ने खोल दी। कंपनी ने मिट्टी मिलाने के लिए दबाव बनाया तो इसके विरोध में कर्मचारी हड़ताल पर उतर आए। इस कारण आधे शहर का कचरा संकलन कर रही एजी एनवायरो कंपनी की मुश्किलें बढ़ गई है। मनपा के 5 जोन में कचरा संकलन ठप हो गया है। 2 साल पहले शहर को 2 हिस्सों में विभाजित कर 2 कंपनियों को कचरा संकलन का ठेका दिया गया है। एजी एनवायरो पर जोन क्रमांक 1 से जोन क्रमांक 5 और बीबीजी पर जोन क्रमांक 6 से जोन क्रमांक 10 तक के कचरा संकलन की जिम्मेदारी है। दोनों कंपनियों की कार्यप्रणाली शुरुआत से ही विवादित रही है। कचरा संकलन से लेकर कर्मचारियों पर अन्याय को लेकर बवाल होता रहा है। कर्मचारियों पर अन्याय के विरोध में अनेक आंदोलन हुए। पुराने कर्मचारियों को नौकरी में नहीं लेने पर मनपा प्रशासन ने संज्ञान लिया था। मनपा प्रशासन की सख्ती के बाद यह मसला हल हुआ। समय पर वेतन भुगतान न करना, पूरे महीने भर काम करने के बावजूद वेतन में कटौती, 8 घंटे से ज़्यादा काम कराना, बिना सुरक्षा साधनों के काम कराना आदि मांगों को लेकर समय समय पर आंदोलन हुए। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3,028 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 8,02,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 5 मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 44,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 2 मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 1,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। नागपुर महानगर पालिका के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोर्बेवैक्स टीका उपलब्ध होगा। टीका सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। लक्ष्मीनगर जोन में कामगार नगर UPHC, कामगार कॉलोनी, सुभाष नगर एवं जैताला UPHC, जैताला में आज कोर्बेवैक्स का टीका उपलब्ध है। धर्मपेट जोन में फुटाला UPHC, अमरावती रोड गली नंबर 3, सुदाम नगर UPHC, पांड्राबोड़ी हिलटॉप, केटी नगर UPHC, केटी नगर हजारी पहाड़ UPHC, हजारी पहाड़ डिग डिस्पेंसरी, VIP रोड धर्मपेट एवं इंदिरा गांधी अस्पताल गांधीनगर में आज कोर्बेवैक्स का टीका उपलब्ध है। हनुमान नगर जोन में मानेवाड़ा UPHC, शाहूनगर, नरसाला UPHC, नरसाला, हुड़केश्वर UPHC, हुड़केश्वर में आज कोर्बेवैक्स का टीका उपलब्ध है। इसी तरह धंतोली, नेहरू नगर, गांधीबाग, सतरंजीपुरा जोन, लकड़गंज जोन, आसीनगर जोन और मंगलवारी जोन में मनपा के तमाम टीकाकरण केंद्रों में आज कोर्बेवैक्स का टीका उपलब्ध है।
ईद उल फितर पर्व के अवसर पर नागपुर शहर में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के नेतृत्व में सुचारू सुरक्षा व्यवस्था बनी रही। शांत सद्भाव सौहार्द का वातावरण कायम रहा और लोगों ने मिलजुल कर प्यार से ईद मनाई। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार की इस सराहनीय पहल और उत्कृष्ट कार्य प्रणाली के लिए AIMIM उत्तर नागपुर द्वारा CP का सत्कार किया गया। पुष्प गुच्छ देकर AIMIM उत्तर नागपुर के अध्यक्ष नसीम अख्तर, वरिष्ठ नेता जहांगीर अंसारी, रिशाद अहमद और यशोधरा संघर्ष नगर निवासी मोहम्मद जकार ने पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को ईद की मुबारकबाद पेश की। नसीम अख्तर ने कहा कि पुलिस आयुक्त ने समाज में शांति और भाईचारे का वातावरण बरकरार रखने के लिए सभी से मिलजुल कर पहल करने का आह्वान किया और भरोसा दिलाया कि शहर में किसी भी प्रकार की अराजकता को पनपने नहीं दिया जाएगा। मध्य रेल ने रेल भर्ती बोर्ड द्वारा RRB परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। गाड़ी नंबर 01203 विशेष ट्रेन आज 7 मई को नागपुर से दोपहर 1:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन रात को 9:45 बजे सिकंदराबाद पहुंचेगी। गाड़ी नंबर 01204 विशेष ट्रेन 9 मई को सिकंदराबाद से रात 8:30 बजे प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन सुबह 5 बजे नागपुर पहुंचेगी। वर्धा, धमनगांव, बडनेरा, मूर्तिजापुर, अकोला, शेगांव, मलकापुर, भुसावल, जलगांव, मनमाड़, नाशिक रोड, कल्याण, पनवेल, लोनावला, कुर्दवाड़ी, सोलापुर, कलबुर्गी, वाड़ी, विकाराबाद और लिंगमपल्ली में ट्रेनों का ठहराव रहेगा। कोचेस में 9 शयनयान श्रेणी, 3 सामान्य द्वितीय श्रेणी, 1 सामान सह गार्ड ब्रेक वैन का समावेश होगा। हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में इन्फोस्टेप्स फाउंडेशन के सह संस्थापक और निदेशक सुशांत गर्ग व उप प्रबंधक केतकी दाखोले, डॉक्टर मीका अयूब, वैभव पेंटिंग से विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति ग्रहण की। इस अवसर पर नीरज वाखरे, डॉक्टर अविनाश अग्रवाल, स्मृति दुबे, राहुल एस राजनकर, सुनील नारनवरे, सुधीर दिवेचा, नमन जब्बल, तुषार कजबिये व विद्यार्थीगण उपस्थित थे। बहुजन समाज पार्टी के नए प्रदेश महासचिव के पद पर नागोराव जयकर को बहन मायावती के आदेशानुसार तथा महाराष्ट्र प्रभारी अशोक सिद्धार्थ, प्रमोद रैना, महाराष्ट्र प्रभारी नितिन जाधव, प्रभारी संदीप ताज ने प्रदेशाध्यक्ष के अनुमोदन द्वारा नियुक्त किया गया। तदनुसार दक्षिण पश्चिम विधानसभा की सभी समितियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम में बामसेफ व जोगी नगर सेक्टर के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ कार्यकर्ता गजानन पाटिल की मौजूदगी में एक बैठक का आयोजन किया गया। विधानसभा उपाध्यक्ष बालू मेश्राम, विधानसभा महासचिव विशाल बंसोड़, महिला जिला महासचिव सुनंदा नितनवरे, शिलवांत नितनवरे, हर्षवर्धन जिभे, कोषाध्यक्ष सुंदर भलावी, नरेंद्र नगर सेक्टर अध्यक्ष इष्ट सुनील पाटिल, प्रशांत साखरकर, मनोज कामले, राजेश बडेल, टीवी वार्ड सेक्टर अध्यक्ष प्रवीण रामटेके, पंकज टौरे, रामबाग सेक्टर अध्यक्ष पंकज नाखले, रमेश वानखेड़े की उपस्थिति में नागोराव जयकर का सत्कार किया गया। समारोह के दौरान जयकर ने अपने भाषण में कहा कि नागपुर महानगर पालिका का चुनाव नजदीक है, अतः सभी पदाधिकारी और कार्यकर्तागण अपने अपने हितों को छोड़कर काम में लग जाए। पार्टी अध्यक्ष संदीप ताजने के नेतृत्व पर विश्वास करके हम बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे और हाथी के निशान के नीचे एकजुट होकर एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनाकर नागपुर नगर पालिका में सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इस आशय के विचार जयकर ने व्यक्त किए। अन्न एवं औषधि प्रशासन विभाग FDA को अपने जीवन के 29 वर्ष देने वाले मनोज तिवारी आज पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य लाभ पाने के लिए विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सेवानिवृत्त हुए एक वर्ष से अधिक हो गए हैं, इसके बावजूद फाइल क्लियर नहीं हो पाई है और वे अपना हक पाने के लिए नेताओं से लेकर अधिकारियों और लोकायुक्त तक के पास लगातार गुहार लगा रहे हैं। 31 मई 2021 को नागपुर कार्यालय से फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद से सेवानिवृत्त होने वाले मनोज तिवारी ने इस संबंध में मुख्यमंत्री से लेकर सचिव, FDA आयुक्त, लोकायुक्त, उप लोकायुक्त तक को पत्र भेजा है। जवाब नहीं मिलने के बाद कई बार और पत्राचार किया गया है, लेकिन कहीं से भी समाधान नहीं निकल पा रहा है। उनका कहना है कि राज्य में उनके साथ 17 अधिकारी सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें छोड़कर सभी का सेटलमेंट हो गया है। विभागीय अधिकारी आखिर उनके केस को क्यों सेटल नहीं कर रहे हैं, ये समझ से परे है। इतना ही नहीं, उनकी ओर से कोई पूछ परख या जवाब तक नहीं भेजा जा रहा है, इससे काफी संदेह पैदा होता है। कुछ दिनों के लिए गोरेवाड़ा जाने वालों को बाघ का दीदार नहीं हो सकेगा, क्योंकि सड़क निर्माण कार्य के चलते बाघ सफारी को फिलहाल बंद किया गया है। गुरुवार तक शाकाहारी वन्य जीवों की सफारी बंद थी, सड़क का काम पूरा होने के बाद इसे खोल दिया गया है। बारिश पूर्व तैयारी के लिए बाघ सफारी को बंद किया गया है। गोरेवाड़ा प्रकल्प के अधिकारियों ने हाल ही में जारी एक प्रेस रिलीज के जरिए ये सूचना दी।
बजरंग दल और श्रीराम सेना के कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के कुरई ब्लॉक के सीमरिया गांव में दो आदिवासी युवकों की हत्या कर दी। इस संबंध में शहर में एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की पहल से महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हरीश उइके की अध्यक्षता में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। उइके ने पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया। पत्रकार परिषद को संबोधित करते समय मंच पर सुधाकर रावतराम, सुखलाल मडावी, प्रतिभा मडावी, राजेश इरपाते, दिनेश सिडाम, सतीश नाइक, भीमा मडावी, ज्ञान सिंह खंडाते, शिवराम टिकाम, विजय मसराम, योगिता कुमरे, सारिका कुमरे और एडवोकेट आशीष उइके उपस्थित थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रविवार 8 मई को एक दिवसीय यात्रा पर नागपुर आ रहे हैं। इस संदर्भ में संभागायुक्त माधवी कोड़ेचौरे ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में राष्ट्रपति के दौरे की समीक्षा की। राष्ट्रपति के हाथों भारतीय प्रबंधन संस्थान परिसर का उद्घाटन किया जाएगा। संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी एजेंसियां यात्रा की मिनट दर मिनट समीक्षा कर अपने दायित्व का निर्वहन करें। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी आर विमला, पुलिस उपायुक्त बसवराज तेली, महसूल विभाग की उपायुक्त आशा पठान, आरोग्य उप संचालक डॉक्टर संजय जायसवाल, सार्वजनिक बांधकाम विभाग के विद्युत विभाग के अधीक्षक अभियंता हेमंत पाटिल, स्वागत अधिकारी काटकर तथा आईएम मिहान, महानगर पालिका तथा विविध विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से रविवार 8 मई को सुबह 9:30 बजे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वे मिहान क्षेत्र में आईआईएम परिसर के लिए हवाई अड्डे से रवाना होंगे। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक वे भारतीय प्रबंधन संस्थान के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। यहां से वे 11 बजे राजभवन के लिए रवाना होंगे। 11:30 बजे से शाम 4 बजे तक उनका समय आरक्षित रहेगा। पश्चात दोपहर को वे हवाई अड्डे के लिए रवाना होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा अनुसूचित जाति कल्याण समिति का 3 दिवसीय दौरा गुरुवार से नागपुर जिले में शुरू हुआ। समिति ने दूसरे दिन सुबह के सत्र में समाज कल्याण विभाग के तहत किए गए कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कलमेश्वर, सावनेर, कामठी, कुराडी और दाभा का दौरा किया। इससे पूर्व गुरुवार शाम को समिति प्रमुख विधानसभा सदस्य प्रणति शिंदे व समिति के सदस्यों ने समाज कल्याण कार्यालय में सभी बैठकों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में जिला खेल अधिकारी ने पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए लागू कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही कार्यालय के अनुसूचित जाति कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति, आरक्षण, बैकलॉग और जाति सत्यापन से संबंधित मामलों की समीक्षा की। इसके बाद उपायुक्त, पशुपालन अधिकारी, अधीक्षण, अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उपवन संरक्षक कार्यालय तथा उससे पूर्व नागपुर जिले में कलमेश्वर, सावनेर, कामठी, कुराडी, दाभा आदि का दौरा किया और सरकारी और सब्सिडी वाले स्कूलों, छात्रावासों, जिला परिषद, महानगर पालिका व नगर परिषद द्वारा विविध योजनाओं के तहत किए गए कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही नगर पालिका एवं नगर परिषद ने नागपुर क्षेत्र के दलित बस्तियों में किए गए कार्यों का दौरा कर निरीक्षण किया। दोपहर में महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम, जिला उद्योग केंद्र के कार्यालय का दौरा किया। 10 लाख करोड़ रुपए के पेट्रोल और डीजल के विदेश से आयात को नियंत्रित करने के लिए वाहनों में इथेनॉल, मेथनॉल, सीएनजी, बायो सीएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे जैव ईंधन का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए। ये बताते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी आह्वान किया है कि देश के लिए जरूरी है कि वाहनों में फ्लेक्स इंजन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए। वे पुणे में स्टार्टअप ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में युवाओं की संख्या बहुत बड़ी है, साथ ही युवा नवीन दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं। उन्हें नई तकनीकों और अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। आज देश में 12 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन है। दिसंबर तक ये संख्या 40 लाख हो जाएगी और 2 साल में ये संख्या 3 करोड़ तक जाने की संभावना है। गडकरी ने कहा कि ऑटोमोबाइल उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। आज 50% दोपहिया वाहनों का निर्यात किया जाता है। कोई भी नई तकनीक देश के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सक्षम होनी चाहिए। आज इंडस्ट्री का टर्नओवर 50 लाख करोड़ रुपए है। इस उद्योग ने 4 करोड़ रोजगार पैदा किए हैं। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।